ये आप किस हाल में आए हैं, बेड से सीधे उठ के यहाँ पर आ गए? मैं उठ के आया हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज मूली वाला पराठा बना के खाऊं, मैंने नाश्ता फिर करना है। ये हैं वो पत्ते जो मूली को हजम करते हैं। हाँ जी, इसको रगड़ के हथेली वैसे। देसी तरीका, मूली का पराठा जी। ये रैम्बो साहब का बना हुआ है और कमेंट करके आपने बताना है कि बेगम साहिबा ने अच्छा बनाया या रैम्बो साहब ने अच्छा बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। मेरी आज की रेसिपी है। ओए होए, ए की हो गया मेनू? हेलो बेगम साहिबा, आ जाओ इत्थे, कुछ जादू है। जी जी, ओ मेरी आवाज को क्या हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। अच्छा, लेकिन ये पहले मैं इनसे बात कर लूं। हां जी। ये आप किस हाल में आए हैं, बेड से सीधे उठ के यहां पर आ गए? मैं उठ के आया हूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज मूली वाला पराठा बना के खाऊं, मैंने नाश्ता फिर करना है, तो अच्छा। मैं इसी तरह आ गया हूं। पहले क्या मैं मेकअप करता, अपना कुछ सूट पहनता, फिर मैं किचन में आता? नहीं, लेकिन आपके लिए जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और आपके भी पसंद, आपके ज्यादा बल्कि मैसेजेस आए होते हैं यहां पर, तो आप इस हाल में आ गए हैं? मैं इसी हाल में हूं, मैं जिस हाल में हूं, हर हाल में बंदे को खुश चाहिए। अच्छा जी, मेरी आवाज को क्या हुआ था, मुझे समझ नहीं आई। सुबह नहीं, एक मिनट हाँ जी, सुबह सुबह आवाज आपकी ऐसी होती है, और ये सचमुच बकायदा सोकर सुबह उठे और ऐसे ही आ गए। मैं क्या करूं, बस आवाज। चले जी, आज आप आवाज बड़ी भारी है, आवाज बड़ी अच्छी है, लेकिन आवाज का मूल नहीं पे। अच्छा खैर जी, आज आप नाश्ता बनाएंगे? जी जी, मैंने सोचा कि क्यों ना कि सीजनल सब्जी क्या ना पराठा बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त मूली जो है अरूज पे है। हाँ। फुल जोबन पे है, ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं मंडियों में और अन्य वाह बिक रही हैं। अच्छा, वो तो आप 50 रुपए तो इतनी मिल जाती है मंडी में से। अच्छा, और वैसे सर्दियों में ना गरम गरम पराठा खाने का अपना मजा है, और वो फिर अगर मूली वाला पराठा हो तो वो और बड़ा मजा आता है। सीजन की चीज खानी चाहिए जी। कुछ लोग मूली कच्ची नहीं खा सकते, लेकिन खानी चाहिए। फिर कहते हैं जी हजम नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसके भी तरीके हैं। उसका जो आखिरी पत्ता होता है ना, ये आखिर में जो छोटा सा रह जाता है, ये मूली को हजम करता है। और मूली आपको पता है कि दुनिया की जो मर्जी चीज़ खा लो, मूली उसे हजम कर देगी, खुद हजम नहीं होती। मूली को हजम, मूली का पता करता है। और अगर ये पता आप नहीं खा सकते, तो फिर आप थोड़ा सा गुड़ लें, अगर गुड़ नहीं ले सकते तो फिर आप गुड़ की चाय बना लें जी, वो आपकी मूली को हजम करेगा। अच्छा, बड़ी इन्फॉर्मेशन है जी आपके पास। मूली का पराठा बनाने का तरीका जान रंबो साहब का, वो सुने। आटा है जी हमारे पास, मैदा भी है, आटा भी है, मैं दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, हमें चाहिए जी 2 अदद मूलियाँ, ये मैंने छील के रख ली हैं। सही है। 4 छोटी हरी प्याज, और मूली के ये अंदर छोटे पत्ते रह जाते हैं ना, छोटे छोटे, वो आप सारे निकाल लेने हैं आपने, ये 2 मूलियों के। बेबी लीव्स जी, बेबी लीव। उसके बाद ही आपको ये 2 से 3 अदद हरी मिर्च। अच्छा, 1 चम्मच इसमें जाएगा जी, मैं अभी बता देता हूँ। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक छोटा चमचा उसका गरम मसाला, मुझे नाम तो लेने दे पहले। और एक हसबे जायका नमक हाँ जी। उसके अलावा ये धनिया जो है, ये भी इसमें जाएगा जी, हरा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। अच्छा, वैसे लोग अजवाइन डालते नहीं है। हाँ। लेकिन हम कोई भी पराठा नॉर्मल भी बनाए ना। हाँ। हम उसमें अजवाइन जरूर डालते हैं ताकि वो हजम हो जाए। जी जी, और अजवाइन डालने का मैं आपको एक देसी तरीका बताऊंगा। उसके बाद हमें चाहिए आटा, और एक चाहिए ये मूली कंडा, इसे क्या कहते हैं, कद्दूकश। और आटा चाहिए नमक वाला, उसमें नमक डाल के, कुछ लोग नमक नहीं ना डालते, इसलिए पराठे में नमक होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं इसको कद्दूकश करने लगा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका पानी या तो निचोड़ लें आप, या उसको भून के सुखा लें, दोनों में से एक काम हो सकता है, तो वो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं जरा ये इनको कर लूं। अब आई बारी जी इन पत्तों की। पत्ता पुत्ता पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, बारीक बारीक काट रहे हैं। ये हैं वो पत्ते जो मूली को हजम करते हैं। हाँ जी, ये हो गया। अब हमने इनको करना है मिक्स, यकजान इनको इकट्ठा। उसमें ये भी जाएगा जी, ये हरी मिर्च और प्याज, हरी प्याज, मूली के पत्ते, और ये जनाब इसमें गई जी मूली।
ठीक है, ये हो गया, इसको हम करेंगे मिक्स। ये गया जी इसमें हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2-1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच पाउडर मिर्च। जरा चटपटा बनना चाहिए। हाँ जी, चटपटा। और ये जनाब तकरीबन ऐसे फ्लैट करके गरम मसाला मैं थोड़ा सा और डालता हूँ, जरा चटपटा आपने कहा है ना। 1 चम्मच गरम मसाला और नमक जो है वो हसबे जायका 1/2 चम्मच। यस। और अजवाइन डालने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपने लीजिए चुटकी भर अजवाइन, इसको रगड़ के हथेली वैसे, देसी तरीका। अब हम इसको करेंगे मिक्स। जी ये मिक्स हो गया है। कुछ लोग मूली का पहले पानी निचोड़ लेते हैं, मैंने निचोड़ा नहीं है। मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगा ताकि ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, ताकि पराठा जो है वो टूटे ना। जी बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इसको हम सेक देंगे और पानी को ड्राई करेंगे। मैं इनकी कुकिंग का नोटिस देखे कैसे कर रही हूँ। हाँ जी, ये मेरे सिर से थानेदार बन गया तो ये ज़रा पुन पुन हो जाएगा, थोड़ा बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा, पानी ड्राई कर लेंगे जी। बिल्कुल करें, आप इसको हल्का सा ड्राई करें और बल्कि आप ड्राई करें, मैं अगर पेड़े बना लूं ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ये काम जरा सा मुश्किल होगा। काम तो मेरा ये भी नहीं है, लेकिन मैं शौक में बना लेता हूं। सूखने के करीब आ गया तकरीबन, और थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा तो जाहिर है जब पराठा बनेगा तब भी सूख जाएगा, लेकिन अच्छा है कि जितना ड्राई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमने पानी निकाला नहीं है, वो पानी इसी के अंदर सूखेगा, पानी का सारा असर इसी के अंदर ही रहेगा। अच्छा, वैसे तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसे भी खाया जा सकता है। अब ये भुजिया बन गई हल्का सा, इसमें पानी कह रहा हूँ घी का हल्का सा मारें तड़का और खाएं। और जो डाइटिंग कर रहे हैं वो वैसे भी खा सकते हैं। वो वैसे भी खाएं, जो डाइटिंग कर रहे हैं वो ना खाएं। डाइटिंग खाओ, हजम करो। जिम किस लिए बने हैं, बाग किस लिए बने हैं, भागें दौड़ें खाएं। अल्लाह ने नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी सेहत रखे, सबको सलामत रखे। अच्छा ये क्या चक्कर है कि सर्दियों में पता नहीं मुझे भूख ज़्यादा लगती है और चीज़ें फ्राइड चीज़ें और मीठी चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल मीठा, जाता मीठा, है ठंड में, मीठा ठंड में गरम मीठा और पराठे और इस तरह की चीज़ें खाने को दिल जाता है। सबका करता है, आपका नहीं करता। आपको मैं अपने पे हैरान थी। नहीं नहीं, हर बंदा खाता है ये। अच्छा जी ये हो गया जी, बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया। इसको मैं रखता हूँ थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अच्छा, और ये पेड़े बनाकर रख दिए हैं, ये मैदे में भी बन सकता है। और ये जो देसी आटा, रैम्बो साहब तो देसी आटा खाते हैं, बच्चे ज़्यादा मैदे वाला खाते हैं, तो दोनों में बनाते हैं हम। अच्छा एक वाला इसमें लगाएं जरा। चलें मैं एक पेड़े में ही बनाता हूँ, आप इस तरह बनाएंगी। चलें दूसरा मैं बनाऊंगा सिंगल पेड़े वाला। ये जी इसको भरना है अच्छी तरह, ठीक है जी। जी सर, ये देखें किनारे आप इसकी जोड़ देंगे ऐसे भी बनता है। ये ऐसे कर दिया इनको। हाँ जी, और हमारा जो तवा है वो गर्म है। हल्का सा घी लगा दें आप जरा तवे पे। देसी घी लगेगा, जल जाएगा देसी घी, जरा आप पहले उस कर लें। पराठा जो है वो देसी घी का ही मजा आता है खाने में। अच्छा ये मेरी सास, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने मुझे बताया था कि हाथ को फैला के फिर पराठा डालना है, क्योंकि वो शादी के अगले ही सुबह आपकी एक रस्म होती है, 7 पराठे बनाने होते हैं। हाँ जी। और उस वक्त मुझे पराठे बनाने बिल्कुल नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ मैंने सिखाया है शादी के बाद। क्या सिखाया तुम्हें माँ ने? क्या क्या आपके साथ अच्छी तरह रहना सिखाया, ये बात पूरी नहीं है, सही नहीं है। ये भी है।
आपकी बात मानना सिखाई है, आपकी रिस्पेक्ट करना सिखाई है। अच्छा, खाना पकाना नहीं सिखाया जी? वो मैंने सिखाया है, मेरी माँ ने सिखाया। नहीं, मेरी अम्मी ने भी मुझे खाना पकाना फोन पे सिखाया। जी, एक मैदे वाला पराठा तो हम बना चुके हैं और ये खाएंगे हम पुदीने की चटनी के साथ। अगर मेरे कैमरा मैन इसको ज़रा क्लोज करके दिखा दें तो ये है हमारा पराठा मूली वाला, और रैम्बो साहब ने बना लिया है चकोर पराठा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात हुई रैम्बो साहब का पराठा और साहिबा मैडम का पराठा। जी, तो ये है मूली का पराठा। जी, ये रैम्बो साहब का बना हुआ है, और कमेंट करके आपने बताना है कि बेगम साहिबा ने अच्छा बनाया है या रैम्बो साहब ने अच्छा बनाया है। तो मूली का पराठा बनाएं जी, और मज़े करें, खाएं और सेहत बनाएं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और ये मैं कहूँगी कि अगर अभी मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफस्टाइल विद साहिबा। और खाली इस चैनल को ना करें, जहां रैम्बो का चैनल भी है मस्कीन सा, उसको भी अगर जितने लोग यहां पे आज देख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया इस चैनल को और मेरे चैनल को, तो दोनों को करें सर, जान रैम्बो चैनल, जान रैम्बो, JAN स्पेस RAMBO और रैम्बो चैनल लिखेंगे या रैम्बो शो लिखेंगे तो सामने आ जाएगा। सर, आपका चैनल मस्कीन सा नहीं है, उस पर बड़े ज़बरदस्त शो आ रहे हैं। मेरे मुझे लोग पकड़ पकड़ के पूछ रहे होते हैं रास्ते में, ये लेडीज़ जो मेरे सैलून पे आती हैं, हाँ। वो कहती हैं कि जान रैम्बो शो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है आपका। अच्छा। उसमें बड़ी कॉमेडी होती है, लोग बहुत शौक से देखते हैं, तो इसलिए अपने चैनल को मस्कीन ना कहें, बड़ा ज़बरदस्त शोज आ रहे हैं इनके चैनल पर। और साथ साथ गर्म गर्म पराठा आप लोग घर में ट्राई करें, बनाएँ और हमें इजाज़त दें। देखते रहिए लाइफस्टाइल विद साहिबा। अल्लाह हाफिज़।